हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्वेंटी मार्च 2024 की एक्सपायरी अगर आप ट्रेड करते हैं मतलब अगर आप एनफ्लाई डिप्लॉय करते हैं उस वीक में तो uh, क्या कुछ एडजस्टमेंट्स आती uh, क्या कुछ फाइनल रिज़ल्ट आता ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज देखेंगे uh, और जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए uh, मेरे चैनल स्टॉक सेंस पे आपको मोस्टली एन की एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेंगे जो मैं पिछले तीन सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ तो Uh, ये सारी वीडियोस आपको मिलेंगे जो प्रीवियस uh, वीक्स मैंने बैक टेस्ट किए हैं और भी सारे नए वीडियोस आएंगे uh, वहाँ पे मैं और भी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर uh, इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए ठीक है तो चलिए सीधा हम जाते हैं स्टॉक मॉक पे ये स्टॉक मॉक का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ट्वेंटीथ मार्च है तो देखिए ट्रेड हम इनिशिएट कब करेंगे अगर ट्वेंटी सेवन्थ मार्च की एक्सपायरी हमें करनी है तो प्रीवियस एक्सपायरी है ट्वेंटीथ मार्च ट्वेंटी मार्च तो उसके डे एंड पे अराउंड 15:15, 15:20 फिफ्टीन ट्वेंटी पी के आसपास यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी यहाँ पे 27 मार्च हमने सेलेक्ट किया अभी हम क्या करेंगे कि जो भी स्पॉट प्राइस है ठीक है यहाँ पे 46,400 के आसपास ए है तो हम एक शडल शॉर्ट करेंगे यहाँ पे एंड uh, जो भी प्रीमियम से कम्बाइंड सम uh, दोनों का फोर फिफ्टी एंड थ्री सेवेंटी सेवन उसके राउंड ऑफ में अगर हम देखेंगे तो लगभग एट हंड्रेड के आसपास आता है तो एट हंड्रेड पॉइंट्स अवे हम कॉल बाइंड बाय करेंगे एंड फॉर द डाउन साइड एट हंड्रेड पॉइंट्स डाउन हम पुट उलफाई करेंगे ठीक है ये स्ट्रैटेजी हमें मिनिमम दो लॉट से करनी है तो दो लॉट के लिए मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैक्सिमम तो आप कितने भी कर सकते हो जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाओ यहाँ पे सिखाने के लिए मैं ज़्यादा भी लॉट सिखा सकता हूँ लेकिन मैं मिनिमम रखूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग भी ट्रेड करते तो मिनिमम चीज़ों से मैं सिखाऊंगा इसके लिए इंक्लूडिंग ऑल दी एडजस्टमेंट्स वन लाख सिक्सटी थाउजेंड के आसपास मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी स्पाइक uh, मतलब, जब आते हैं मतलब आई वी जब स्पाइक हो जाती है मार्केट में तब शायद ज़्यादा मार्जिन लग सकता है मे बी पाँच दस हज़ार आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन मोस्टली वन लाख सिक्सटी थाउजेंड में आपका सारी चीज़ें हो जाती है ठीक है तो चलिए जो भी आरोप है अभी हम कैलकुलेट करेंगे वो वन लाख सिक्सटी थाउजेंड के ऊपर करेंगे ना कि डिप्लॉयड मार्जिन जो कि नाइन्टी वन थाउजेंड दिखा रहा है इसके न, इस पर नहीं करेंगे हम करेंगे वन लाख सिक्सटी थाउजेंड के ऊपर ठीक है तो देखिए हमें एडजस्टमेंट कब कब करनी है जब भी, भी आप एंड फ्लाई डिप्लॉय करते हो तो आपके ब्रेकिंगज डिफाइन होते हैं दिस इज़ पुट साइड ब्रेक है मतलब डाउन साइड ब्रेक है फोर्टी फाइव एट थर्टी सेवन एंड अप साइड फोर्टी सिक्स नाइन सिक्सटी टू तो ये अगर ब्रीच होते हैं तब हमें एडजस्टमेंट इनिशिएट करनी है ठीक है बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे आप देख सकते हो प्रीवियसली जाके भी लेकिन मैं यहाँ पे भी बताऊँगा ठीक है और जो भी एडजस्टमेंट हम करेंगे वो फिफ्टीन मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ही करेंगे ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एग्जैक्ट फिफ्टीन मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ और जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो दस बजे के बाद ही हमें इनिशिएट करनी है यहाँ पे ठीक है एग्जैक्ट मतलब फिफ्टीन मिनट क्लोजिंग हम देखेंगे देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन के पास आया 962 सिक्सटी टू इज अवर ब्रेक इवन मार्केट 947 के आसपास है मतलब 15 मिनट कैंडल क्लोज हुई नहीं है ब्रेक इवन के ऊपर ठीक है थोड़ा देखते हैं मार्केट रिवर्ट कर गया ठीक है और रिवर्स कर गया थोड़ा आगे लेता हूँ मैं फास्ट हो जाएगा मतलब हमें पता भी चलेगा ब्रेक इवन बीच हुआ या नहीं शायद मार्केट ब्रेक इवन के आसपास जाके रिवर्सल कर गया ठीक है देखिए अभी फिफ्टीन फिफ्टीन मतलब सवा तीन बजे के टाइम हुआ है मार्केट क्लोजिंग के आसपास है एंड हमारा कोई भी ब्रेक इवन ब्रीच हुआ नहीं है तो अगर ब्रेक इवन ब्रीच हुआ नहीं है मतलब आपका एनफ्लाई ओरिजिनल एनफ्लाई इंटैक्ट है तो हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रेक इवन से ये दोनों साइड से सौ सौ पॉइंट अंदर लेके आएंगे ठीक है जैसे कि यहाँ पे हम सौ पॉइंट अंदर एंड यहां पे हम सौ पॉइंट अंदर ठीक है कुछ नहीं करना और बाय करते वक्त भी आप ऐसे ही करो कि पहले हेजेस बाय करो एंड देन प्रीवियस हेजेस एग्जिट करो नहीं तो आपका मार्जिन की पेनल्टी आ सकती है या मार्जिन का इशू आ सकता है ठीक है दोनों चीज़ें देखिए जब भी, भी आप ब्रेक यूनस मतलब हेजेस अंदर लेते हो सो सो पॉइंट के ऑब्वियसली आपके ब्रेक यून अपडेट हो जाते हैं तो हमारे नए ब्रेक यूनस फोटी फाइव एट एट थ्री एंड अपसाइड फोटी सिक्स नाइन वन सेवन ठीक है 45, 46, तो अभी हम देखेंगे कि ये इसके ऊपर अगर कोई फिफ्टीन मिनट कैंडल क्लोज होती है देन हम हमारी एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे ठीक है अभी देखिए चलो मैं फिफ्टीन मिनट सीधा आगे चलता हूँ थर्टी मिनट लेता हूँ नेक्स्ट डे दस बजे के आसपास ही हमें एडजस्टमेंट इनिशिएट करनी है जो भी है फिफ्टीन मिनट वीकेंड पे आसपास मार्केट आया है देखिए यहाँ पे फोर्टी सिक्स नाइन वन सेवन इज और ब्रेक्यून एंड स्पॉट इज फोर्टी सिक्स नाइन वन एट ठीक है तो हम क्या करेंगे इसका मतलब क्या है कि स्पॉट की प्राइस मतलब 15 मिनट कैंडल बारह बजे की क्लोजेज अबाउ दी ओवर क्लोजेस अबाउ ओवर ब्रेक इवन सो हम क्या करेंगे देखिए ये ब्रेक इवन राउंड में कन्वर्ट करेंगे नियरेस्ट हंड्रेड पे जो कि हुआ फोर्टी सिक्स नाइन हंड्रेड तो फोर्टी सिक्स नाइन हंड्रेड यहाँ पे ए टी एम होगा उस समय ठीक है तो हम देखिए यहाँ पे देखियो यहाँ, यहाँ पे हम एक लॉट शॉर्ट करेंगे एंड उसके लिए हम टेन रुपीज़ के आसपास वाला एक है, हैज बाय करेंगे क्योंकि कोई भी पोजिशन हमें नेकेड नहीं रखनी ठीक है जैसे ही आप ये करोगे आपका पे ऑफ ऑफग्राफुल ऐसा बन जाएगा कि ऊपर की साइड आपको मिनिमम लॉस रहेगा ठीक है अभी देखिए अभी हमें रिस्क है डाउन साइड के लिए मतलब मार्केट कभी भी रिवर्सल आ सकता है तो इसके इसके बचने के लिए हम रिवर्स बाइंग भी करेंगे मतलब क्या होगा अगर मार्केट ऊपर गया ऊपर का ब्रेक इवन अगर आपका ब्रिज हुआ इसका मतलब क्या है जो पुट बाय किया फ्लाई का फ्लाई का जो पुट का लेग है वो ऑब्वियसली सस्ता चल रहा होगा तो हम क्या करेंगे कि ट्वेंटी रुपीज़ डेबिट दे हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतना ऊपर आएंगे क्योंकि क्या होता है ज़्यादा डेबिट भी नहीं दे रहा हमें क्या होता है बहुत बार ट्वेंटी रुपीज डेबिट दे के बहुत प्रॉफिट भी चला जाता है हमारा ये भी पार्ट है लेकिन क्या होता है कि सिक्योरिटी बहुत नेसेसरी है अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा है लेकिन अगर आप कैपिटल प्रोटेक्शन के पीछे भागोगे देन डेफिनेटली आपके पास प्रॉफिट आएंगे भले ही प्रॉफिट ना लेकिन आपका कैपिटल सिक्योर रहेगा ऐसा नहीं कि आपको हर वीक में ही प्रॉफिट कमाना है ठीक है ये तो देखिए ये तो मैं प्रॉपर रूल बेस्ड है मैं रूल से ही बता रहा हूँ आपको लेकिन अगर आप खुद करने जाओगे तो तो डिस्क्रिप्शन का पार्ट आता है कभी कभी आप रुक के रहोगे कि नहीं अगर 46900 के आसपास है तो मैं और रुकता हूँ अराउंड ऑफ ब्रेक्यूअन क्रॉस होने जो ये बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है फिर इसमें ठीक है लेकिन कुछ रूल्स है मैं बाई रूल्स बताता हूँ ठीक है कभी कभी पॉसिबल होता नहीं कि एवरी रूल आप फॉलो करो या मिस भी होते ही कुछ चीज़ें क्योंकि इमोशंस आ जाते लेकिन इसके लिए मैंने कुछ रूल्स डिफाइन किए देखिए रूल्स तो ब्रेक होते ही ऑब्वियसली हम ह्यूमन से तो लेकिन मैं आपको एक सेट ऑफ रूल्स बता रहा हूँ आप उसके हिसाब से चल सकते हो ठीक है आगे पीछे थोड़ा हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए बाय रूल्स हमें ट्वेंटी रुपीज़ डेबिट देखिए जितना पॉसिबल हो सके ऊपर आना है ठीक है तो यहाँ पे देखिए फोर्टी फोर प्लस ट्वेंटी टू सिक्सटी टू के आसपास हम आ सकते हैं तो क्या करना है हमें हमने रिवर्स बाइंग कर ली क्यों रिवर्स बाइंग करनी अगर इन केस मार्केट रिवर्सल आता है तो हमें ज़्यादा नुकसान ना हो ठीक है तो देखिए प्रीवियस लेकता फोर्टी सेवन फाइव हंड्रेड तो फोर्टी सेवन फाइव हंड्रेड हम बुक कर लेते हैं तो आपका फिर आप कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है ये वो इस दिन के बाद चलो हम अभी आगे चलते हैं अभी हमें नेक्स्ट शॉर्ट कब करना है जब भी ये एक्सटेंडेड ब्रेक यून ब्रीच हो जाएगा मतलब फोर्टी सेवन जीरो फोर्टी सेवन ये एनी फिफ्टीन मिनट कैंडल क्लोजेज अबाउ फोर्टी सेवन जीरो फोर्टी सेवन दैन हम नेक्स्ट शॉर्ट इनिशिएट करेंगे नेक्स्ट शॉर्ट इन देंस जो फोर्टी सिक्स नाइन हंड्रेड हमने शॉर्ट किया था उसकी और एक क्वांटिटी रिमेनिंग है क्योंकि आप दो लॉट से गए थे अपने हाफ क्वांटिटी शॉर्ट की तो एनी फिफ्टीन कैंडल फोर्टी सेवन जीरो फोर्टी सेवन हम नेक्स्ट लॉट नेक्स्ट एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे टिल देन हम एंड फ्लाई ऐसे ही रखेंगे ओके okay. अभी देखो डेन का टाइम है बाय रूल अगर सवा तीन बजे हमें यहाँ से और एक साइक अंदर आनी है ठीक है मतलब हंड्रेड पॉइंट देखिए फिक्स रूल है दस बजे के बाद ही एडजस्टमेंट करनी है जो भी करनी है एनी शॉट आप इनिशिएट करते हो जो भी शॉर्ट कोई आप इनिशिएट करते हो तभी आपको एक रिवर्स बाइंग करनी है ट्वेंटी रुपीज़ डेबिट देखिए एंड अराउंड सवा तीन बजे के आसपास फिफ्टीन फिफ्टीन पी के आसपास आपको और एक रिवर्स बाइंग करनी है अपोजिट साइड से हंड्रेड पॉइंट्स है वहाँ पर ट्वेंटी रुपीज़ डेबिट का रूल है नहीं आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा डेबिट होता है यहाँ पर एग्जैक्ट दस के आसपास डेबिट है ठीक है तो देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप सिक्योरिटी के पीछे जाओ मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन के पीछे भागो प्रॉफिट आएगा ही आएगा ठीक है इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रॉफिट कमाना ही है प्रॉफिट आएगा ही लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन देखिए मैं हमेशा जहाँ जो जे भी जो भी आपको सिखाऊंगा वो कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे होगा उस हिसाब पर ज़्यादा ध्यान रहेगा ना कि प्रॉफिट ज़्यादा कैसे होंगे वो ठीक है तो यहाँ पर देखें हमने न्यू एज बाय किया एंड ओल्ड एज हमने एग्जिट कर लिया ठीक है यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे देखिए तीन बज के पच्चीस मिनट पे ठीक है एट द टाइम ऑफ मार्केट क्लोजिंग देखिए ऊपर की साइड रिस्क है नहीं रिस्क है हमें डाउन साइड के लिए तो डाउन साइड रिस्क हमें मतलब डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे करे एक ओवर नाइट बाय करके जाएंगे अराउंड थर्टी फाइव रुपीज के आसपास कितने एक क्वांटिटी से एक क्वांटिटी क्यों क्योंकि हमारा ये एक ही लॉट शॉर्ट है फोर्टी सिक्स नाइन इसलिए हम एक क्वांटिटी लेके जाएंगे ठीक है अगर दो लॉट शॉर्ट होते फुल क्वांटिटी तो हम यहाँ पे 35 वाले दो आ, यहाँ पे दो क्वांटिटी बाय करके जाते सिंपल तो यहाँ पे हमारी डाउन साइड भी हमने प्रोटेक्ट कर ली ठीक है ये कभी भी मैक्स लॉस आपको होगा नहीं ठीक है ये तो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी के दिन का है ठीक है अगर बहुत बड़ा गैप डाउन भी खुलता है इन केस तो ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है रीजन बी एंड दैट कि आई वी स्पाइक्ट हो जाते हैं ठीक है ये रोलिंग स्टाइल का जो पार्ट है ये स्पाइक होता है मतलब ये ऐसे स्पाइक आता है एकदम ऊपर ठीक है रोलिंग सडन मतलब सम ऑफ जो ए का प्रीमियम होता है कॉल एंड पुट एट द टाइम ऑफ जो स्पॉट प्राइस होते हैं जैसे कि इन केस में फोर्टी सिक्स नाइन हंड्रेड होता है ठीक है तो उसका कॉल और पुट की जो भी प्राइस होती है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है तो अगर कोई बड़ा मूव आता है सडन तो आईवी स्पाइक होती है तो प्रीमियम्स बढ़ते हैं ना कि घटते ठीक है, है तो यहाँ पे ये ब्लू लाइन ऊपर उठ जाएगी तो ये ऐसी बिहेव नहीं करेगी ये तो एट दिस पॉइंट आपको दिख रहेगी मतलब ये जो ब्लू लाइन दिखाती है वो एट दिस पॉइंट कैसे बिहेव करेगी वो दिखाती है ना कि स्पाइट आई वी में कैसे बिहेव करेगी ठीक है तो हमने थर्टी फाइव रुपीज़ के आसपास वाले प्रीमियम बाय कर लिए निकालेंगे कब नेक्स्ट डे अराउंड नाइन ट्वेंटी फाइव नाइन थर्टी के आसपास सुबह हम निकालेंगे ठीक है इससे प्रॉफिट और लॉस और हमें कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ सिक्योरिटी के लिए हमने बाय किया था ठीक है हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है चलिए सीधे दस बजे के आसपास चलते हैं 15 मिनट देखिए यहा देख पी एन एल दिख रहा है आपको 1600 के आसपास 1600 मतलब आपको 1 परसेंट के आसपास प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमारा ओरिजिनल कैपिटल मतलब पूरा कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दिस स्ट्रैटेजी वन लाख सिक्सटी थाउजेंड तो हम एस्टिमेटेड मार्जिन पे नहीं कैलकुलेट करेंगे हम जो एक्स्ट्रा कैपिटल भी है हमारे पास रखा हुआ उसके ऊपर हम आरोप कैलकुलेट करेंगे तो इस हिसाब से वन हमें मिल रहा है तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अगर ज़्यादा एडजस्टमेंट ना करके अगर आपको वन परसेंट मिल रहा है तो इट्स बेटर कि आप ये ट्रेड बुक करो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं हमें एंड तक ही लेके जाना है तो क्यों लेके जाना है अगर आपको दिख रहा है और ये मार्केट है ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा ये इलेवन थाउजेंड रुपीज़ है ये आपको मिलने ही मिलने हैं ऐसा नहीं है आपको एक सम पार्ट ऑफ दैट इलेवन मतलब इसमें से वन भी आपको मिल गया वन या टेन के आसपास भी आपको मिल गया टेन के आसपास मिल गया तो भी बहुत है आप हमें अगर ग्रीन के पीछे भागोगे तो ऑब्वियसली लॉसिस के चांसेस बहुत है क्योंकि मैंने ये फेस किया है, जब इनिशियल ट्रेडिंग करियर के मतलब इनिशियल डेज में मैंने ये बहुत सारी चीज़ें फेस की है तो इसलिए मैं अभी वन वन पॉइंट फाइव परसेंट दिखता है मैं ट्रेड क्लोज करके जाता हूँ ज़्यादा ग्रीड अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली लॉसेस में जाने के चांसेस बहुत है लॉसेस इन द सिर्फ वाली ये जो दिख रहा है वो भी आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो देखिए ये इमोशन्स होते हैं ये टाइम लगेगा एक्सपीरियंस से ही आती है ऐसा नहीं कि आप आज बैठे हो करने के लिए और इमीजिएट आपको माइंड सेट ऐसे डेवलप होगा ऑब्वियसली नहीं होगा जब जिस जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करते जाओगे वैसे वैसे आप ओवरकम करते जाओगे इन सारे इश्यूज़ को ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर मेरा बताना काम है कि हाँ ऐसे चीज़ें वर्कआउट होती है इन फ्यूचर इन रेफरेंस आपको ये हेल्प uh, मतलब करेंगे ये सारी चीज़ें ठीक है तो ऐसा नहीं कि पूरा ट्रेड एंड तक ही लेके जाना है तभी हमें देखना है कि कितना प्रॉफिट हुआ देन ये अच्छा है ऐसा है नहीं बिल्कुल जहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखे वन वन पॉइंट फाइव परसेंट आपके हिसाब से वन परसेंट पर बुक करना है डेट परसेंट पर बुक करना है प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने कम्फर्टेबल हो मार्केट के साथ ठीक है अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो ऑब्वियसली आप अगर आप अच्छे तरीके से जानते हो कि कैसे चीज़ें मैनेज करनी है तो आप डे तक मतलब एक्सपायरी तक भी जा सकते हो अगर आप नए हो आपको दिख रहा है वन वन पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास प्रॉफिट आप इमीजिएट निकल जाओ क्योंकि ज़्यादा एनजाइट होती है फिर ओवर नाइट रिस्क कैरी करनी है ये सारी चीज़ें आती है उसमें ठीक है अभी यहाँ पर मैं सीधा चलता हूँ डे एंड के आसपास देखते कि क्या होता है ये ट्यूजडे का दिन है मतलब डे बिफोर एक्सपायरी है यहाँ पे देखिए 2400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है ऑब्वियसली हम यहाँ पे फिर से रिवर्स बाइंग करेंगे 100 पॉइंट क्योंकि एज़ बाय रूल हमें uh, 100 पॉइंट से रिवर्स बाइंग करनी है अपोजिट साइड से uh, 4600 सिक्स में 46000 में बुक कर लेता हूँ ठीक है एंड एंड देखिए यहाँ पे तीन बज के पच्चीस मिनट के आसपास हमें जो ओवरनाइट रिस्क है वो निगेट करनी है देखिए यहाँ पे फोर्टी रुपीज़ के बजाय आप ट्वेंटी नाइन रुपीज़ वाला और एक बाय कर सकते हो ज़्यादा डिबिट देने की ज़रूरत है नहीं ठीक है आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा बिल्कुल रिस्क फ्री पे ऑफ है ये लॉस आपको हो गया नहीं क्योंकि नेक्स्ट डे हम जैसे ही मार्केट खुलेगा हम वो ओवरनाइट हेज निकाल देंगे ठीक है हमने निकाल दिया है उसमें टू थर्टी फाइव का लॉस है लेकिन देखिए प्रॉफिट आपका कितना चल रहा है ठीक है लगभग टू पॉइंट फाइव परसेंट के आसपास आपका प्रॉफिट ये चल रहा है तो मैं यही बोल रहा था आपको कि ऐसा नहीं है कि आपको ये डे एंड तक या एक्सपायरी एंड तक चीज़ें लेके जानी है मैक्सिमम अगर आपको लग रहा है तो आप दस बजे तक का वेट कर सकते हो दस बजे के आसपास भी निकाल सकते हो अगर आप ट्रेड में फंसे हुए हो आपको दिख रहा है कि और प्रॉफिट हो सकता है देन आप रुक सकते हो दस ग्यारह बारह बजे तक क्योंकि उसके बाद तो गामा इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट एम टू एम स्विंग्स होते हैं ठीक है लेकिन मेरा काम है सिखाना मैं ठीक है मैं तो आपको यही बोलूँगा कि वन वन क्योंकि मार्केट ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी है आपको ठीक है ट्रेड बुक मतलब प्रॉफिट बुक करने के लिए ठीक है तो यहाँ पे वैसे भी हम ट्रेड बारह एक बजे के आसपास क्लोज ही करते ठीक है यहाँ पे अगर बारह बजे तक जाओगे तो इतना प्रॉफिट होता है लेकिन देखिए मैं कुछ आ, ऐसा नहीं कि ज़्यादा आपको आ, ये दिखा के कि हाँ इतना प्रॉफिट हो गया उस वीक में ऐसा कुछ है नहीं इमोशंस इमोशन्ते हम क्या करेंगे हम 10 बारह बजे के आसपास 10 दस, दस बजे के आसपास ही निकल जाते क्योंकि हमें पता नहीं कि साढ़े बारह ग्यारह बजे तक मार्केट में भी यहाँ पे भी चला जाता मैं भी फास्टली रिटर्न भी आता तो ऐसा नहीं कि यहाँ दिखाने के लिए मैं आपको बताऊँगा हाँ साढ़े बारह बजे आपको इतना मिल जाता है ऐसा नहीं मैं सामने से बोलता हूँ वन आपको मिलेगा आप बुक करो भले ही कितना ये भले ही मार्केट यहाँ पर भी क्लोज़ होता हमें इससे कुछ मतलब नहीं ठीक है ये तो लक का फैक्टर है कि मार्केट वहाँ से रिवर्सल आया ये हुआ लेकिन हमारे पास जो जितना हमारे हाथ में उतनी चीज़ें हम करती जाएंगे ठीक है और देखिए इसमें और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है अपार्ट फ्रॉम दिस आ, कि कौन से दिन पे क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए उसके पीछे के लॉजिक क्या है और बहुत सारी चीज़ें होती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हो और ज़्यादा सेफ कैसे हो सकते हैं हम में अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो हमारी एंडफ्लाए की एडवांस्ड जो एडजस्टमेंट्स होती है उनका एक हैंड होल्डिंग कोर्स भी होता है जहाँ पे मैं सारी चीज़ें पर्सनली आपको सिखाता हूँ थेरी सेशन होते हैं फिर वन मंथ का हैंड होल्डिंग सेशन भी होता है तो अप्रैल मंथ से वो शुरू होने वाला है तो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो कि एंड पर्टिकुलर एंड फ्लाई ऐसे नहीं मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सिखाता हूँ मैं सिर्फ एनफ्लाई सिखाता था और इसके पीछे रीज़न ये कि मैं पिछले तीन चार सालों से यही चीज़ करते आ रहा हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ यही चीज़ सिखाऊंगा जो मैं खुद करते आ रहा हूँ ठीक है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो डेफ़िनेटली डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको और एंड फ्लाई के बारे में एडवांस नॉलेज चाहिए ठीक है और आने वाले वीक्स में मैं और ऐसे वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा जहां पे आपको और अच्छी लर्निंग्स मिलती थी जाएगी ठीक है तो आई होप आपको कुछ डाउट्स है जो क्लियर हुए होंगे एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डेफ़िनेटली लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी करो थैंक यू सो मच गाइज़